नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ में अध्याय सत्र में राजस्थान में सामाजिक आधारभूत ढांचे के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में आधारभूत ढांचों के अंतर्गत हमने सड़क, जल और ऊर्जा से संबंधित हमने पूर्व के क्लास में हमने अध्ययन किया था। इसी क्रम में यूनिट संख्या फोर्थ में उसी आधारभूत ढांचों के विकास के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में गांवों को या गांवों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी सरकार ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान सरकार का रहा है। शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो संस्कृत शिक्षा हो, चाहे वो साक्षरता हो, सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा के प्रसार हेतु प्राथमिक उच्च शिक्षा तक वर्तमान में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है। राजस्थान में शिक्षा में निरंतर गुणात्मक वृद्धि हुई है, जो कि ग्रामीण परिवेश में निकले हुए बंधुआ मजदूर के लोग, किसान वर्ग के बेटों ने आज एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अग्रणीय योगदान रहा है। तो इसकी प्रगति से संबंधित कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रगति हुई, उसके बारे में संक्षेप में अध्ययन कीजिए। अब हम जैसे इसकी भूमिका के बारे में हम चर्चा करें कि राजस्थान में शिक्षा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। इससे जनता को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, आवास, साफ सफाई आदि उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, उनका जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार शिक्षा में राजस्थान में गुणात्मक वृद्धि हुई है, और जिससे लोग अपने जीवन स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी कर सके। तो इस प्रकार राजस्थान में शिक्षा में प्रगति से प्रत्येक लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि भी हुई है, जिसमें सामाजिक गतिविधियों की हम बात करें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, आवास है, शहरी विकास है, और भी पेयजल सुविधा आदि में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण अग्रणीय भूमिका रही है। अब राजस्थान में शिक्षा की बात करें कि शिक्षा सभी प्रकार से राष्ट्रीय व व्यक्तिगत कल्याण को सुधारने में योगदान देती है। शिक्षा सभी अर्थों में विकास के महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक मानी गई है। कोई देश मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश के बिना सतत विकास प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समझ को समृद्ध करती है, और जीवन में गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से
शिक्षा व्यक्तियों और समाज को व्यापक सामाजिक लाभ की ओर ले जाती है। शिक्षा लोगों के माध्यम से उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है, उद्यमशीलता और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार राजस्थान को राज्य के संगठन के समय विरासत में कमजोर शिक्षा प्रणाली व्यवस्था प्राप्त हुई है। राजस्थान सरकार एवं शिक्षा संसाधनों के द्वारा सुधार के माध्यम से विभिन्न राज्य के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफ़ी ठोस प्रयास भी कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, सतत शिक्षा कार्यक्रम है, साक्षरता भारत मिशन है, उनके माध्यम से संपूर्ण साक्षरता लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार राजस्थान में गुणात्मक शिक्षा हुई है। अब इसकी हम प्रगति की बात करें तो राजस्थान में शिक्षा की प्रगति अग्रणी रही है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रथम बात करें प्राथमिक शिक्षा की या प्रारंभिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो बालक बालिकाओं के लिए, जो कि प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण रही है। प्रारंभिक शिक्षा में पिछले राज्य के दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में राज्य में 42,441 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 42,441 प्राथमिक विद्यालयों खोले गए हैं, जिससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने से लगभग 37,645 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। 37,645 प्राथमिक के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। तो इस प्रकार हम बात करें उच्च माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की, तो 27,688 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। ये सरकार द्वारा बहुत ही अग्रणीय रहा है, जो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी अनुपात में वृद्धि हुई, जिसमें 63.89 लाख विद्यार्थियों के नामांकन है। 63.89 लाख विद्यार्थियों का इनके इनमें नामांकन किया गया, जो कि प्राथमिक शिक्षाओं में अग्रणीय रही, जो कि वर्ष 2011 से लेकर के वर्तमान तक महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति के रूप में माने, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का एक केंद्र प्रवृत्ति योजना सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वित की जा रही है। तो इस प्रकार जिसमें क्षेत्रीय लिंग भेद मिटाने के लिए निम्न गतिविधियाँ, एक आपने जैसे अध्ययन किया भी है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया, जिसमें 0 से जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा योजना दी गई, जिसमें उनको पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क फीस के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने में योगदान रही। एक हम बात करें बालिका शिक्षा की, बालिका शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी खोले, जिसमें विभिन्न प्रकार के जातियों के लोगों को
इसमें प्राथमिकता दी गई, जिसमें 10 मेवात बालिका आवासीय भी संचालित किया गया है। अलवर में भी छात्रावास विभिन्न खोले गए, जिसमें 500 की क्षमता के विरुद्ध 2015-16 में 419 बालिकाओं का भी इसमें नामांकन किया गया। छात्रावासों के माध्यम से भी बालक बालिकाओं को शिक्षा में अग्रणी योगदान सरकार का महत्वपूर्ण रहा है। मीणा मंच के द्वारा भी इनका गठन 9,206 नोडल विद्यालयों में 200 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का अध्यापक मंच के द्वारा भी शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें गुणात्मक सुधार और करने के लिए 256 अध्यापकों द्वारा इस मंचों का गठन किया, जिसमें 100 शिक्षकों का समूह बना, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि सामाजिक खेल गतिविधियों के साथ साथ भी विभिन्न माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करवाई गई। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी योगदान रहा है। गुणात्मक सुधार की हम बात करें, क्वालिटी रिफॉर्म्स की, जिसमें संबल अभियान, स्कूल प्रबंध सूचना, शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम, सतत मूल्यांकन कार्यक्रम, सतत एवं मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदियों को विशेष ध्यान में रखा गया। विद्यालयों के विद्यालय सुविधा हेतु अनुदान की फैसिलिटी भी दी गई, जिसमें छात्रावास जो छात्रावास हैं और भी विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई गई। साक्षरता और सतत शिक्षा का भी दिया गया, जिसमें भारत और राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया, जो कि साक्षरता मिशन का गठन 1988 में किया गया। इस प्रकार भारत साक्षरता मिशन का भी इसमें क्रियान्वयन, जिसमें दिसंबर 2015 तक लगभग 15,88,075 निरक्षरों को नामांकन भी किया गया। महात्मा गांधी पुस्तकालय भी खोले गए, जिसके रख रखाव के लिए लगभग 474.97 लाख रुपये व्यय किए गए। महिला शिक्षण विहार को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, जिसमें तलाक सुधार विधवा महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण। अब बात करें हम माध्यमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक बालिकाओं के लिए शिक्षण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शिक्षा के मध्य एक जरिया दिया गया, जिसमें 13,398 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 13,398 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए, जो कि महत्वपूर्ण रूप से 2020 तक इनको एक महत्वपूर्ण सभी को शिक्षा के साथ जोड़ना इनका लक्ष्य रखा गया, जिसमें 114 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया गया है और भी विभिन्न ब्लॉकों में छात्र छात्राओं को साक्षरता के दर में बढ़ोतरी की गई, जिसमें नेतृत्व प्रशिक्षण भी के माध्यम से दिया गया, जैसे मुख्यमंत्री हमारी बेटियां के माध्यम से भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं में अग्रणी योगदान रही। तो माध्यमिक शिक्षा में ओपन स्टेट ओपन स्कूलों की स्थापना की गई, जिसमें लगभग दिसंबर 2015 तक 49,977 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। अब बात करें हम उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में कॉलेज शिक्षा को शामिल किया गया, जिसमें सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा प्रबंध करता है, जिसमें देश की आज़ादी के समय मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे, परंतु अब 6 दशकों में वह संख्या सशस्त्र के पार कर गई है। काफ़ी महाविद्यालय सरकार के द्वारा खोले गए हैं। तो राजस्थान में उच्च शिक्षा की तीव्रगति को देखते हुए आज प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 1,641 महाविद्यालय हैं, जिनमें से 182 राजकीय महाविद्यालय हैं। वर्तमान में और भी नए महाविद्यालय सरकार ने खोले हैं, जो 15 विधि महाविद्यालय और 1,472 निजी महाविद्यालय, 7 स्वयं वित्त पोषित संस्थाएँ और 5 निधि सहभागिता से महाविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें 814 महाविद्यालयों में प्रशिक्षण ट्रेनिंग के भी महाविद्यालय उन्होंने खोले गए, जो कि 26 राज्य वित्त पोषित महाविद्यालय, 40 निजी क्षेत्र विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो कि 7 विश्वविद्यालय व्रत संस्थाएँ हैं, जो उसमें 15 लाख से भी ज़्यादा
नियमित 100 पाटी विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। तो इस प्रकार उस शिक्षा में भी काफ़ी UGC के द्वारा दिशा निर्देश और उनकी पालना, ई लाइब्रेरी खोलना और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे मेधावी स्कूटी योजना, छात्रवृत्ति, उनकी राजकीय महाविद्यालयों में चाहे विज्ञान, कला, वाणिज्य में भी प्रथम वर्ष में भी लगभग 25% सीटें बढ़ाई गई, जो कि छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भी दी गई सरकार की द्वारा, में 45 करोड़ रुपये राशि राजकीय महाविद्यालयों में वितरित की गई और भी विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय खोले गए जिसमें नवीन विषय सम्मिलित किए गए, जो कि शेखावटी क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्रों में भी नवीन वर्तमान में महाविद्यालय खोले गए जिसमें विभिन्न प्रकार के जिसे उच्च शिक्षा को काफ़ी बढ़ोतरी हो सके। तो इस प्रकार संस्कृत शिक्षा पर ध्यान दिया गया जिसमें संस्कृत भाषा देववाणी भाषा मानी जाती है जो देवताओं की भाषा के रूप में माना जाता है क्योंकि भारतीय संस्कृति का पोषक नहीं है बल्कि ज्ञान भी एक स्रोत के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, टेक्नोलॉजी जो तकनीकी शिक्षाओं की हम बात करें, तकनीकी शिक्षा में पॉलिटेक्निकल के भी 214 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले गए जिसमें 56,735 विद्यार्थी नामांकन हैं और भी 34 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हैं जिसमें 1,270 प्रवेश क्षमता है, 8 महिला पॉलिटेक्निक हैं जिसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, सांगानेर, भरतपुर में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार औद्योगिक शिक्षण संस्थान खोलेगी, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की भी स्थापना की गई। तो चिकित्सा शिक्षाओं की बात करें तो वर्तमान में 13 चिकित्सा महाविद्यालय हैं जो कि राजकीय समिति में 8 राजकीय और शेष 5 निजी क्षेत्र में है, 15 दंत चिकित्सालय मेडिकल हैं राजकीय और निजी 14 माने गए हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका रही है। तो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अनेक प्रकार के मॉडलों का प्रयोग किया गया महाविद्यालयों में, ऑनलाइन क्लास के द्वारा बच्चों को अच्छी स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी बच्चों को एक लेक्चर डिलीवर किए गए जिसमें उच्च शिक्षा में काफ़ी वृद्धि हो। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में अध्ययन की। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है, आगे भी सरकार के द्वारा निरंतर प्रगति करवाई जाएगी। बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी से संबंधित राजस्थान में सामाजिक आधारभूत ढांचे के अंदर स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।